देखो तो टॉपिक का नाम फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन का रूल नंबर वन, ये जब किसी भी बॉडी पे लगती है ये मोशन को अपोज करती है। फॉर एग्जांपल ये मान लो ग्राउंड है और ये इसकी फ्रिक्शन है, ये ब्लॉक है। अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ मूव करवाता हूँ तो इसकी मूव करने की डायरेक्शन अगर राइट है तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? लेफ्ट लगेगी। पॉइंट नंबर वन क्लियर? ठीक है यहाँ तक? तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ लगेगी? लेफ्ट लगेगी। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है यहाँ तक? अब दूसरा रूल, सपोज करो आपके पास, मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, ठीक है। और सपोज ये एक ब्लॉक है और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर राइट है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? लेफ्ट लगेगी। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट लगेगी। ठीक है यहाँ तक? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगाएगा इस ब्लॉक पे? ग्राउंड लगाएगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगाएगा? ग्राउंड लगाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कहाँ लगाएगा? ऑपोजिट लगाएगा। अब रूल नंबर टू, ग्राउंड ने ब्लॉक पे फोर्स एफ लगाई पीछे, तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ब्लॉक कहता है, अच्छा ग्राउंड तूने मेरे पे फोर्स लगाई, अब मैं तेरे ऊपर भी फोर्स लगाऊंगा। तो ग्राउंड के ऊपर ये ब्लॉक एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पर वो अलग बात है कि ग्राउंड को कोई फर्क पड़ता कहाँ है, अर्थ थोड़ा मूव करवा देगा ये फ्रिक्शन, अर्थ कहती है लगा दे जो फोर्स लगानी है। तो इसीलिए ज्यादातर बुक्स ये ड्रॉ नहीं करती, सिर्फ ये ड्रॉ करती हैं क्योंकि ब्लॉक को मूव करवाना है तो ब्लॉक की फ्रिक्शन लेफ्ट है। लेकिन आपने मन में याद रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी टेंशन की तरह पेयर में काम करती है। तो एक फ्रिक्शन ग्राउंड ब्लॉक पे लगाएगा और दूसरी फ्रिक्शन ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है यहां तक? दूसरा रूल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती क्यों है? क्यों आई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इसलिए आई क्योंकि जो सरफेस है वो रफ है, तो रफ सरफेस ऐसी दिखेगी, और जो ब्लॉक है एक्चुअल में वो भी क्या है? वो भी रफ है। अब होता क्या है, एक सरफेस स्मूथ है, एक स्मूथ है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं, पर एक रफ है अंदर, ये देखो रफनेस है, ये भी रफनेस है। दो रफ सरफेस आपस में इंटरलॉकिंग कर लेती है, फंस जाती है, इंटरलॉकिंग हो गई। इंटरलॉकिंग का मतलब बॉन्ड बन गए, तो इनमें बॉन्ड बन गए, इंटरलॉकिंग हो गया, तो इनको मूव करवाना आसान नहीं है। पर जब आप इनको ऑयल भर देते हो, तेल भर देते हो, तो देखो इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती, तेल आ गया ना बीच में, तो फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने का रीज़न इंटरलॉकिंग है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। तो ये रूल, दो रूल समझ में आ गए सबको, ठीक है। तीसरा रूल समझो, ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, इसका फायदा होगा आपको। फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है। हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे क्लास में, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है। सपोज करो यहां पर दो ब्लॉक्स के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है, और ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है। अब मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, आपने देखा होगा आप फोर्स तो यहां लगा रहे हो पर ये भी साथ 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 मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? जब आप इसको यहां फोर्स लगाओगे तो नीचे वाला ब्लॉक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगाएगा? ऑपोजिट। लेकिन बदले में ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगाएगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक को फायदा हुआ फ्रिक्शन का, क्योंकि इस ब्लॉक की फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रही है? राइट। ये इसको हेल्प करेगी कि इसकी मोशन इधर हो। तो हम कहते हैं ना, फ्रिक्शन अगर होगी तो नीचे वाला ब्लॉक भी साथ में खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको आगे लेके जाएगी और इसको अपोज करेगी, एक को अपोज करेगी, एक को फेवर कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नीचे वाला ब्लॉक आगे क्यों जाता है? तो इसके ऊपर डिस्कशन हमने नेक्स्ट टाइम करनी है। अगर तो हमने फोर्स ज्यादा लगा दी फ्रिक्शन से, फिर
फिर तो नीचे गिर जाएगा। अगर कमज़ोर है फोर्स फिर दोनों इकट्ठे मूव करते रहे, डिपेंड करता है, ये डिस्कशन करनी है नेक्स्ट टाइम कि नीचे गिरेगा या नीचे नहीं गिरेगा, ये डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स ही होती है, जिस पे हमने फोर्स लगाई ना उसके लिए अपोजिंग है, नीचे के लिए नहीं, नीचे लिए ये वो हेल्प कर रही है। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन के रोल ना अलग हैं, हमें हेल्प भी करती है फ्रिक्शन मूव करने में, हम चलते हैं ना, हमें फ्रिक्शन हेल्प करती है। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि कब वो अपोजिंग रोल में आ जाती है और कब किसी को वो फेवर भी करती है, मैं बताऊंगा, ठीक। अब लास्ट पॉइंट ये है, इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि सपोज आपके पास ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, आप मुझे ये बताओ कि ये ब्लॉक का अगर वेट mg है तो mg वेट कहाँ ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। ये mg वेट ब्लॉक ने किस पे लगाया, ग्राउंड पे लगाया, बदले ने ग्राउंड ने ब्लॉक पे फोर्स लगाई जिसका नाम नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ ऐड करेगा, ऊपर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर वन, क्या नॉर्मल रिएक्शन और वेट क्या एक बॉडी पे एक्ट करती है कि दो बॉडीज पे एक्ट करती हैं, दो पे। mg वेट ब्लॉक अपने ऊपर नहीं लगा रहा, ग्राउंड पे लगा रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड ने कितनी फोर्स लगाई, n लगाया। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं इसे आगे मूव करवाऊं तो ग्राउंड इसके ऊपर एक और फोर्स लगाएगी जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो अगर मैं ये कहूं कि ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में है, आप बोलोगे हाँ कांटेक्ट में है, तो अगर ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड ने ब्लॉक पे कौन सी फोर्सेस लगाई, एक क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। ग्राउंड ने क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरी क्या लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन दोनों फोर्सेस का नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ब्लॉक ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ग्राउंड ने ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगाई कॉन्टैक्ट में आने के बाद, एक एन और एक एफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कोई डाउट इसमें। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपने ना एन बोलना है ना एफ बोलना है, आपने ये बोलना है, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बताओ कि ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक है वो ग्राउंड पे भी तो फोर्स लगाएगा, बोलो पहली फोर्स क्या लगाएगा, एम जी, और दूसरी क्या लगाएगा, फ्रिक्शन भी लगाएगा, कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस, वो अलग बात है कि mg और f तो एक ही बात है, तो दोनों के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा सेम लगती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन क्या है ये बता दिया, अपोजिंग फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट है, फ्रिक्शन लेफ्ट है, लेफ्ट है तो राइट है, कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन के आगे टाइप्स हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक, जिसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, काफी